जबरदस्ती भारतीय लोगों के अंगूठे एग्रीमेंट को कागज पर लगवा कर उन्हें मजबूरी करने देश निष्ठा कर दी। लाखों लाख भारतीय परिवार रोते पिलखते गुलामों की जिंदगी जीने पलायन करने को विवश थे। Thank you.
अपना घुमान ही ये बनाई थी और हाँ तो बहुत जिज्ञासु है जाओ अपनी माता का रात बहुत हो गई है और तुम सोचो और कल सुबह उठ के संगीत का अभ्यास भी तो करना है जी और ये सब के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। संस्कृति एवं भक्ति परिवार का यह प्रवेश बालक मदन मोहन के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध है। पांच भाइयों और दो बहनों के बीच बालक मदन मोहन कुछ विशेष प्रतिभावान था। यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं कृशाम्यहम् अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कृष्ण स्वयं ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। अगले श्लोक की ओर पढ़ो। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला न करो उनमें से कोई तो क्षमा करें आचार्य जी यह श्लोक आपने क्यों लिखी बार इसका अभ्यास हमने नहीं किया। यही समाप्त करते हैं। तुम लोग भी घर के लिए प्रस्थान करो मुझे कथा के लिए निकलना होगा। दीपक दादा वी लव यू। बहुत बढ़िया लोग। पंडित जी, तो मतलब
हाँ हाँ तुम मदन के विषय में कुछ बातचीत करने वाले, बताओ बताओ। सप्ताह का वो चला था अपना मदन, उसका इस तरह के सपनों में जाना कुछ ठीक नहीं लगता है। तुम अकारण ही इन बात की चिंता करती हो, इन सभाओं में जाकर उसके व्यक्तित्व का विकास ही होगा। पर जिस तरह भक्ति और खंड की ओर लीन हो रहा है, डर लगता है कल को सन्यासी ना बन जाए। मदन अपने व्यक्तित्व को गीता के अनुरूप ढाल रहा है, उसके व्यक्तित्व में जितना भक्ति योग है उतना ही कर्म योग ज्ञान योग भी तो है। पर माँ का मन है ना, इसीलिए तनिक चिंता होती है। आपने उस बारे में कुछ सोचा? इस बारे में मदन के विवाह के बारे में, वो नंदलाल जी बिरसापुर वाले, उन्होंने फिर से कहलावा भेजा है, उनको तो अपना मदन बड़ा पसंद आया है, उन्होंने तो लोगों से उसकी खूब तारीफ भी की है। उनकी पुत्री का क्या नाम बताया था? कुंदन, ये गजापुर भाई बता रहे थे, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, और जितनी उनकी चरित्र की संपन्नता वैसी पुत्री का गुण बहुत ही गुणवान है। अति उत्तम, तो फिर देर किस बात की, भगवान को स्मरण करके मंगला जी को संदेशा भिजवा दीजिए। मदन मोहन 17 वर्ष के हो चुके थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ईसाइयों के बढ़ते प्रभावों के बीच मदन मोहन सनातन धर्म का पक्ष बड़ी वैज्ञानिकता एवं तार्किकता के साथ रखते थे। हृदय में राष्ट्र कल्याण और जिभा पर गीता, इस अद्भुत संयोजन के साथ मदन मोहन जब मित्रों के बीच अपनी बात रखते तो मित्र अभिभूत हो जाते। Thank you.
अभी तो देश गुलामी में, होना जाने कितनी बौद्धिकताएं इस वातावरण में जन्म लेने से पहले ही मर जाए। मेरी समझ में अर्थ सबसे प्रमुख है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अर्थ से ही पीड़ित है और इसका कारण यह है कि हम अपनी सामाजिक संरचना खो देते हैं और किसी के पास कोई निश्चित व्यापार भी नहीं है। हाँ, इसीलिए हम अपने गुलाम अर्थ निश्चित रूप से प्रमुख होते और यह भी सच है कि हम अपनी सामाजिक संरचना खो रहे हैं, पर हम इसके लिए गुलाम बने इस बात से सहमत नहीं हैं। क्योंकि जब हम गुलाम होते थे तो हम संपन्न थे, सुसंस्कृत थे, अन्य संपदा की भी कोई कमी नहीं, उसके बावजूद हम गुलामी के जंजीर में जकड़े थे। दरअसल वर्तमान समाज की जो संरचना है और उसका जो परतंत्र है वह हमें एक दूसरे से दूर और दूर ले जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो इस व्यवस्था में सुधार हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? वर्तमान समाज की जैसी बिखरी संरचना है उसे नियोजित करने के लिए शिक्षा पर एक दूरी के रूप में उपयोग करना होगा। और वर्तमान समाज में मुझे जो कमी दिखती है वह भी शिक्षा ही, और इस कमी को पूरा करने के लिए मैं एक विशाल विश्वविद्यालय की परिकल्पना करता हूँ। कुछ इस तरीके से रखी। नॉट एक्सेप्शन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द फर्स्ट कमांडमेंट इन द इंग्लिशमैन पॉलिटिकल मैनेजमेंट। हाउ कैन ही पार्ट ऑफ दिस कंसर्न एंड दैट्स अ फियर दिस फ्री एंड एजुकेटेड फेलो सब्जेक्ट एज इफ वी वर डम शिप आर कैटल। वी आर नॉट डम एनी लॉन्गर। इंडिया हैज फाउंड अ वॉइस एट लास्ट इन दिस ग्रेट कांग्रेस एंड इन इट एंड थ्रू इट वी कॉल ऑन यू लाइन टू बी ट्रू टू हर ट्रेडिशंस टू हर इंस्टिंक्ट्स एंड हर सेल्फ एंड ग्रांट आवर और अंततः मैं बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात दोहराता हूँ। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और यह भी पूरी निर्भीकता के साथ कहता हूँ कि सरकार निरंकुश है। प्रश्न को उठाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हस्तिका को है तो अधिकार हमें क्यों? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। मदन मोहन की यह स्पष्टवादिता भविष्य के भारत की राजनीति में
दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन के बाद नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन यह वाक्य मदन मोहन मालवीय के साथ कुछ इस कदर जुड़ गया कि बौद्धिक समाज में यह चर्चा में आया। इसी सम्मेलन में काला कांगड़ के राजा रामपाल सिंह मदन मोहन के ओजस्वी उद्बोधन को सुनकर मंत्रमुग्ध हुए और उन्हें अपने किले पर आमंत्रित किया। आप जैसे विद्या के स्नेही व्यक्ति का ताने से पाना तो मेरे सौभाग्य की बात है। मैं कई दिनों से सोच रहा था आपसे मिलूं या आइए। ठीक है राजा साहब, मैं ऐसे ही आपको प्रेज है क्या? आप तो जानते ही कभी मैं लंदन से वापस जल्दी लौटा और वहां तो ये आम बात और शिक्षण समाज दृष्टि में सक्रिय ही नहीं था। वैसे यदि हमें अंग्रेजों से बराबरी करनी है कि अच्छा के व्यवहार अपने साथ माफ कीजिएगा राजा साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं, ये हमारी धर्म और परंपरा में निश्चित है। बाकी रहा प्रगति की बात तो उसके लिए परंपरा का त्याग आवश्यक नहीं। महाराज आपको जानते जब हिंदुस्तान पर धन्यवाद मुझे, लेकिन मुझे खुद के लिए संभव नहीं लगा। आप जानते आपको जानते हैं यह पत्र भारतीय समाज के कितना उपयोगी। ठीक है राजा साहब, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहले तो ये कि आप मेरे संपादन में किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे और दूसरी बात ये कि आप मदिरा पान के समय मुझसे संपर्क नहीं करेंगे। एक बार और विचार कर लीजिए राजा, इन दोनों शर्तों में से यदि किसी एक का भी उल्लंघन हुआ तो इस पत्रिका से मेरा कोई संबंध नहीं रहने चाहिए। आप निश्चिंत रहें, मैं आज्ञा चाहता हूँ, जल्द आना। इससे पहले भी मदन मोहन अपने गुरु की अंग्रेजी पत्रिका इंडियन यूनियन का संपादन कर चुके थे। राजा साहब की जैसी अनुमति थी कि आप दोनों में से एक शर्तों को मान लें, दुर्भाग्यवश राजा साहब ने उसमें से एक शर्त तोड़ दी। Thank you.
आपके संबंधन वैसे इन दो वर्षों में आपने यह पत्र के बाद इसके लिए मैं खुद भी आप दो वर्ष सच में मैंने संपादक कार्य में कोई दिलाई नहीं, ना कभी आपने मेरे कार्य में कोई दखल दिया। हमें दोनों शर्तों का भी आपने बराबर ध्यान रखा, परंतु आज आपने उन दोनों शर्तों में से एक का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। मैंने आपके कहा जिस भी दिन आपने मेरी एक भी शर्त का उल्लंघन किया इस पत्र से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं आपसे ज्यादा जीवन के आदर्श नैतिकता एवं मूल्य मदन मोहन मालवीय में इस कदर प्रभावित थे कि परिवार के पालन पोषण की एकमात्र आधार संपादक की नौकरी को छोड़ते हुए उन्होंने क्षण भर भी नहीं सोचा। हिंदुस्तान पत्रिका भविष्य में मर्यादा लीडर अभ्युदय सनातन जैसी पत्रिकाओं के संपादन का आधार है। राजा राम सिंह को अपने वादे के टूट जाने का गहरा मलाल हुआ। उन्होंने मालवीय जी से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि उन्हें वकालत पढ़ने के लिए एवं उससे संबंधित सारा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली। शुरू में मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया किंतु राजा साहब के बहुत आग्रह करने के बाद वे मान गए। 1891 में वकालत की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में और 2 साल बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आरंभ की। मदन मोहन मालवीय प्रत्येक केस व्यक्तिगत स्तर पर जांच करते थे, उसके बाद उसे अदालत में पेश करते थे। निर्बलों और वंचितों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। उन दिनों जब इलाहाबाद में उनकी वकालत शिखर पर थी तब एक दिन सकता। क्या रहने के बल है आपका कर्ज आपकी जीवन दशा पीढ़ियों का भविष्य सब बदल
जाएगा। दौलत दिया कहीं और दिखा दबा जाएगा। जो सक्षम है किसी कुशल वकील की फीस भर सकता है वह हमेशा विजयी रहता है। इस व्यवस्था में निर्बल के लिए न्याय नहीं। इसीलिए मैं आपके पास आया था कि वो मुकदमा नहीं हारेगा। मेरा मन इस पशुपालक की क्षमता का मेरे भीतर से मेरा देश मेरा समाज कहीं कम न हो जाए इसका डर मुझे लगातार बना रह रहा है। शक्ति से न्याय पाने की यह प्रक्रिया तो अधर्म ही है। आप नाहक परेशान हो रहे हैं। न्याय और सत्य का पक्ष लेके आप देश और समाज का कल्याण भी तो कर रहे हैं। हिंदू हॉस्टल बनाना, नागरिक को अदालत में प्रवेश दिलाना, सब कुछ देश और समाज का कल्याण भी तो है। इसलिए अपने आक्रोशों को विराम मत दीजिए, हर की चिंता मत कीजिए। हम देश और समाज के लिए जितना अधिक हो सकेंगे हो जाए। इस घटना का मालवीय जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। वकालत के पेशे से उनकी हुकूमत की साजिश का हिस्सा है। इसी सिलसिले में उन्होंने सन 1898 में एनी बेसेंट की अगुवाई में हो रहे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में यथासंभव योगदान दिया। महामना जी विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना को लेकर के उन दिनों काफी चिंतित रहने लगे थे। इसी संदर्भ में सन 1905 में काशी के टाउन हॉल में मदन मोहन मालवीय द्वारा पढ़ा गया विश्वविद्यालय का प्रस्ताव ऐतिहासिक रहा। इस सभा की अध्यक्षता बीएन महाजन ने की, साथ ही काशी नरेश, दरभंगा नरेश, एनी बेसेंट आदि ने अपनी सहमति प्रकट की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। आदि भारत की प्राचीन धर्म की शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को बड़ी समष्टि की इकाई समझकर उसके हित के लिए जीवित रहे और काम करे। लोक कल्याण और लोक संग्रह को परम पुरुषार्थ समझे। आज काशी में हम जिस विश्वविद्यालय की स्थापना के महान संकल्प के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसका उद्देश्य इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्ण आश्रम धर्म के पोषक सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए धर्म शिक्षक तैयार करना, संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन की वृद्धि करना, भारतीय भाषाओं तथा संस्कृत के द्वारा वैज्ञानिक तथा शिल्पकला संबंधी शिक्षा में योग देना। यह योजना सभी शासकों, संभ्रांतों, धर्माचार्यों, शिक्षाविदों एवं नेताओं के विचारार्थ इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि वे प्रवर्तकों को अपने विचारों से अवगत कराएं तथा इसमें संशोधन तथा सुधार हेतु सुझाव दें ताकि यह विकासमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से लोगों की भौतिक समृद्धि की अभिवृद्धि में प्रभावी साधन साबित हो सके तथा वह अपने पवित्र ग्रंथों की शिक्षा के आधार पर अधिक पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षा का विराटतम लक्ष्य और वकालत का चमचमाता पेशा दोनों के बीच तुलना बढ़ता गया। इसी बीच वकील मदन मोहन मालवीय ने प्रसिद्ध रानी केस में सफलता पाई। इस सफलता के फलस्वरूप उन्हें अपार धन एवं यश की प्राप्ति हुई। यह सफलता किसी भी आम व्यक्ति को उसके पेशे में रुचि पैदा करने के लिए पर्याप्त हुई, किंतु मदन मोहन मालवीय आरंभ से ही कुछ विशेष था। तो फिर
आगे भी आ चुका है। अच्छा हाँ उन्हें अपनी पत्रिका में खबर बना ली लिख दो मेरा प्रणाम जी माँ जानती हो सबसे अच्छी बात क्या हुई अब हमारे परिवार का सारा घर चुप है। हाँ मैं तनिक आराम से होता बच्चों मुझे सुबह से अनंत बधाइयां और शुभकामनाएं मिली। हाँ रानी का तो कहना है कि आप प्रयाग के सबसे बड़े वकील हैं। अब मैं वकील नहीं रहा। क्या हुआ? मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। विचार कर रहा तुम्हारा विचार जानने को इच्छुक आपकी आत्मा जिस किले में पहुंच रही है उसे ही तुम्हारा निर्णय आवश्यक घर गृहस्थी भोजन भजन तो इस वकालत के पेशे से तो इस पेशे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा जो मेरी आत्मा चाहती। घर परिवार को लेकर आप कोई चिंता ना करें राधिका की तो प्रैक्टिस कर ही लगे सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। ईश्वर की इच्छा मानकर आप निर्णय ले लीजिए आपके इस निर्णय के साथ मदन मोहन मालवीय ने अपनी विश्वविद्यालय योजना में शीघ्रता लाई। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक सोसाइटी का होना आवश्यक था इसलिए सन 1911 में हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना की गई। आज हम सब हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के महान संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित मैं सर्वप्रथम यानी व्यक्ति जी से आग्रह करता हूँ कि वह बने विचार हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी
साकार करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे ब्रितानी हुकूमत के शिक्षा प्रभारी सर हार्कोर्ट बटलर से मिलने दिल्ली पहुंचे। मिस्टर बटलर, मैं तो निःशब्द हूं। मैं हिंदू विश्वविद्यालय
वाल्मीकि जी के संकल्प और भावना का सम्मान करता हूं। वाल्मीकि जी देश के भविष्य निर्माता है। मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, उन्होंने पहले ही बिना कुछ सोचे बिना किसी अंतर्द्वंद के अपनी लाखों की फलती फूलती वकालत को हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क्षण भर में छोड़ दिया। क्षण भर में सम्मान करता हूं। मैं तो हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना में बस वाल्मीकि जी के साथ मेरी वकालत का तो कोई बोलना, लेकिन काशी नरेश ने सात गांवों की इतनी मूल्यवान जमीन एक झटके में विश्वविद्यालय को दान में दे दी, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। कैसे भूल सकता हूँ आपके करीब से प्रयासों को जो विश्वविद्यालय के बनने में इतना सहयोग दे रहे हैं। पाली जी अंगीकृतम सुकितला परिपालयंती ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करके ही अपना सौभाग्य मानते हैं। काशी के विषय में कहा भी गया है, अपारे तम संसारे सार वेतन चतुष्टयम काश्याम वासस सताम संगह गंगा पस शंभु पूजनम। इसलिए ऐसा हो कि आप हमको छोटा न करें। कैसा भव्य प्रतीत होने वाली 50 लाख रुपए की राशि और शिक्षा का माध्यम जैसे कुछ बाधाएं मदन मोहन मालवीय के मार्ग में आदि कुछ ऐसा हुआ जिसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण को विश्व में अनोखा बना दिया। Thank you.
संस्कृति भी और देश भी, इसीलिए तो वो वाइस चांसलर बनाना चाहते थे उन लेफ्टिनेंट जनरल को। जहाँ तक संभव है मैंने सब कर दिया है, सरकार हट कर दी, अब तो दानदाताओं ने हट करना। यदि विश्वविद्यालय का निर्माण संभव न हो काफी अन्य कदम उठाने की नहीं, पिछले 10 वर्षों से दिन रात हमने जिस क्षण की प्रतीक्षा की है उसके इतना नजदीक आ कर पीछे हटना पाप है। आज हम जिस पूजनीय परिस्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति फिर कभी न बने, इसलिए भी आवश्यक है कि हिंदू विश्वविद्यालय अपने धर्म परंपरा और भारतीयता को बचाने के लिए शिक्षा की अखंड ज्योति जलाने के लिए मैंने बहुत पहले संकल्पना ली और उसी संकल्पना को पूरा करने के लिए मैं देश के कोने कोने तक गया, घर घर भिक्षा मांगी, असंभव लगने वाले 1 करोड़ की राशि भी जुटा। अब यदि विश्वविद्यालय के बनने में कोई बाधा आती है तो तमाम विद्यार्थियों के प्रति अन्याय होगा जो इतने वर्षों से मेरे मस्तिष्क में प्रतिनिधि बनकर विकसित हो रहे हैं। हाँ, मैं करूंगा समझौता, लेकिन ये मदन मोहन मालवीय काल की दीवार को भेद कर भविष्य के विद्यार्थियों को यह बता देना चाहता कि वह इसलिए समझौता कर रहा है कि भविष्य में तुम अपने मूल्य और आदर्शों के साथ समझौता न करो। शुभकामना व्यक्त की।
शिलान्यास के उत्सव समारोह कई दिनों तक चलता रहा।
लोगों ने इस एक्ट का खुलकर विरोध किया, स्वरूप जेल में भर दिए गए। इस विरोध में देश एकजुट चुका है। तारीख 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का पर्व, स्थान जलियांवाला बाग। संवेदनहीन सरकारी रिकॉर्ड इस केस के प्रमाणिक आधार हैं।
माय लॉर्ड, हमारे काबिल वकील साहब जानते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में दंड और दोषियों के अलावा कीट पतंग चिड़ियों जानवर आदि आज का ब्यौरा दर्ज किया। अब 10 साल का कालच छोड़ने के बाद भूल गए हैं कि अदालत में तर्क और विरह की भाषा बोली जाती है, पर्यावरण धर्म मानवता की बातें नहीं बोली जाती। मैं पूछता हूँ आपके पास क्या हूँ 171 समायाप्ता लोगों के पक्ष में कोई तर्क है या यहाँ क्या भगवत रखा पाया? दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की आरपीसी की धारा 239 ये तय करती है डुमरी गांव और चौड़ा थाना दोनों की घटना और घटनास्थल दोनों अलग अलग है। इस तरह से ये 170 लोगों का संयुक्त रूप से है ही नहीं और किसी एक केस में 170 लोगों को फांसी देने का आधार ही नहीं बनता। जिस केस का आधार ही हफ्ते पर हो उसका निर्णय कहां तक ठीक हो सकता है? इसके अलावा कोई व्यक्तिगत इच्छा हो तो कहिए।
भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे और आयु और यदि भगवान की मर्जी होगी तो वो मुझे और आयु नहीं। आप विश्वास रखें मैं अभी नहीं मरूंगा, शरीर छूटने पर भी मैं नहीं मरूंगा, बल्कि बच्चों को देखूंगा तो कभी लंका से प्रवेश कर रहे नए छात्रों के मंडलों को निहारूंगा, तो कभी स्वयं की अकालों के किसी शिक्षक के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा और प्रश्न करूंगा कि कहीं भी अपने मूल पद से भटक तो नहीं है। मुझे इससे अधिक और कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ Oh,